केमिकल बॉन्डिंग पार्ट फोर लास्ट पार्ट है इलेवेंथ क्लास के लिए ट्वेल्थ क्लास के लिए नीट आईटी मेन और आईटी एडवांस हम लोग पढ़ रहे थे बॉन्ड बॉन्ड का कंडीशन रूल और बहुत सारा क्वेश्चन बहुत सारा फिफ्टी क्वेश्चन हो गया था। अभी और करेंगे टेन क्वेश्चन और छोटे छोटे क्वेश्चन है बट बहुत सारा क्वेश्चन बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड अरेंज करना बहुत सारा क्वेश्चन अभी इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ आनिक बॉन्ड भी डिस्कस करना है मैंने बताया था आनिक बॉन्ड बड़ा है आनिक बॉन्ड में स्टेप्स कंडीशन नाउ फैजेंस रोल नाउ आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अरेंजमेंट करना ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और अभी कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एनिक बॉन्ड चलिए स्टार्ट करते हैं सो फिफ्टी so, हो गया था फिफ्टी वन क्वेश्चन so मैं सारा एग्जाम का आया हुआ ही क्वेश्चन ले रहा हूं सो विच आर फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन नो कोवेलेंट बॉन्ड सो लिखा हुआ नो कोवेलेंट बॉन्ड बॉन्ड प्रेजेंटेड नो कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट एबीसीडी सो एक लिखा हुआ केसीएल और बी टू एच सिक्स और पी एच आईटी मेन का क्वेश्चन है आपका केसिल एच टू एसओ फोर एंड बी टू एच सिक्स कौन सा ऑप्शन है जिसमें नो कोवलेंट बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड नहीं है कौन सा ऑप्शन है क्लियर सब दिख रहा है आंसर है सी सी में परफेक्टली आनिक बॉन्ड सिर्फ के लिखा हुआ तो के प्लस और सीएल माइनस के प्लस और सीएल माइनस के बीच में आयुनिक यहां पर पे पीएच थ्री जानते हैं पीएच थ्री में कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा एच टू एसो फोर में भी कोवलेंट बॉन्ड है डायबोरेन आपका पढ़ा हुआ है द फेमस फिगर डाइबोरेन ये देखिए ये कोवलेंट बॉन्ड हो गया यहां बी हो गया और एच और एच ये कोवलेंट बॉन्ड हुआ और यहां पे ऐसा ये कोवलेंट ब्रिज बॉन्ड हुआ ऐसा yeah. 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 cool. तो कोवलेंट बॉन्ड तो है यहां कोवलेंट बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड है यही एक अकेला ऑप्शन है जिसमें कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने बताया था बहुत सारा क्वेश्चन आता है एग्जाम में ढेर सारा क्वेश्चन आएगा मेडिकल में इंजीनियरिंग में बहुत सारा क्वेश्चन आता है तो टेंथ क्वेश्चन और करते हैं फिफ्टी वन फिफ्टी टू सो फिफ्टी टू मैक्सीम नेचर मैक्सिमम कोवेंट नेचर आईटी टी मेन का है क्वेश्चन ऑप्शन ए बी सी डी मैक्सिमम कोवलेंट एफ सी एल टू एस एन सी एल टू एफ सी एल टू एस एन सी एल टू एल सी एल थ्री एल थ्री और एमजीसीएल टू सो पढ़े हुए हैं आप, आपको चाहिए मैक्सिमम कोवलेंट मैक्सिमम कोवलेंट के लिए अगर आपको मैक्सिमम कोवलेंट चाहिए तो ये वाला छोटा और ये वाला क्या होना चाहिए बड़ा बड़ा होना चाहिए बड़ा अब देखिए ये तो आपका सब में ये सब वाले में सेम है सब में क्लोराइड है ये तो कांस्टेंट है ये एन तो हुआ कांस्टेंट कांस्टेंट हो गया एन तो कांस्टेंट अब ये सबसे छोटा चाहिए सबसे छोटा तो एलमोनियम ये वाला ये ऐसे भी चेक करेंगे तो देखिए तो ये, ये तो आनिक है ये डी ब्लॉक का है डी ब्लॉक वाले ज्यादा आनिक होते हैं और टू क्लोराइड आन ये तो आनिक है एस ब्लॉक का हुआ एस ब्लॉक वाला तो प्योर आनिक में आता है ये अब क्वेश्चन कर चुके हैं सर ये भी है टिन टिन मेटल है वो भी आनिक और ए सेल थ्री भी आप बॉन्डिंग पढ़े हुए हैं ए सेल थ्री का बॉन्डिंग आप इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट कंपाउंड ऐसे पढ़े हुए हैं एग्जिस्ट एज द तो सो सबसे ज़्यादा कोवलेंट नेचर ये होगा क्योंकि आप आपकी कॉपी में देखिए ऐसे तो जरूर ये सब कई बार आपको पढ़ा हुआ है लिखा हुआ है कि आनिक में सबसे बढ़िया आनिक होता है वन ए का फिर टू वाले ये वन एंड टू वाले एस ब्लॉक होते हैं एस ब्लॉक हुआ ब्लॉक के बाद फिर डी ब्लॉक डी ब्लॉक मेटल होता है फिर डी ब्लॉक और उसके बाद जो होता है पी ब्लॉक का हुआ तो ये आनिक का ऑर्डर आनिक का ऑर्डर जो आप कॉपी में कई क्वेश्चन पहले भी पढ़े हुए हैं तो ये मैक्सिमम कोफलेट कौन सा होगा पी ब्लॉक मैक्सिम कोपेक्ट सब आया हुआ आईटी मेन का क्वेश्चन है सब क्वेश्चन पूछा हुआ मेडिकल में बहुत सारा क्वेश्चन आता है लास्ट क्लास आपने देखा था कितना सारा क्वेश्चन आया हुआ है इससे नेक्स्ट कंटेन आयनिक कोविलेंट एंड कोऑर्डिनेट लिंकेज फिफ्टी थ्री विच कंटेन कोवलेंट कोडिनेट लिंकेज कौन सा कंपाउंड है जिसमें तीनों टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट है जो आयनिक बॉन्ड भी है कोविलेंट बॉन्ड भी है कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है सो ऑप्शन एनएच फोर सी एल ऑप्शन बी NaCl ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्साइड ऑप्शन डी एनएच करेक्ट आंसर ए हो गया ए पढ़े हुए हैं आप पढ़े हुए हैं NH4Cl, देखिए आप अगर पढ़ेंगे NH4 ये प्लस है और Cl माइनस तो प्लस और माइनस प्लस और माइनस के बीच में कौन सा बॉन्ड अनिक बॉन्ड हो गया और अमोनियम के बारे में जानते हैं कि H हुआ और ये N हुआ और ये H है और ये H है और ये S देखिए तीनों बॉन्ड दिख रहा है प्लस माइनस आनिक बॉन्ड को आपका वन लाइन पीएमटी क्वेश्चन है नेक्स्ट फिफ्टी फोर बोथ आइनिक एंड कोफलैंड बॉन्ड बोथ आयनिक एंड कोफलैंड बॉन्ड बोथ निक एंड कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंटिंग सो so, एनिक बॉन्ड भी है और कोवलेंट बॉन्ड भी है फोर ऑप्शन लिखा हुआ है एनएससीएल बताई एकदम इंची एकदम आसान बहुत आसान वन सेकेंड आंसर जो है वन सेकेंड में आप चेक करेंगे देखेंगे तुरंत बन जाएगा आंसर हो गया बी बी हो गया कैसे तो आप जानते हैं सोडियम सोडियम ये Na प्लस और ClO4 फोर माइनस ऐसे जानते हैं तो ये है Na प्लस हो गया ClO4 फोर माइनस का मतलब हुआ Cl और ओ माइनस और यहां डबल बॉन्ड ओ ये डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड ओके देखिए प्लस और माइनस आइनिक बॉन्ड और बाकी सब कोवलेंट बॉन्ड फिफ्टी फाइव छोटा छोटा मैंने ऐसे बोला कि बहुत सारा क्वेश्चन लास्ट क्लास में देखिए कितना सारा प्रैक्टिस कराया था तो कुछ सेकंड में बस आप देखेंगे एक सेकंड में पता चल जाता है मोस्ट कोवेलेंट। वन सेकेंड वन सेकेंड देखेंगे वन सेकेंड द मोस्ट कोवेलेंट। आया हुआ। है। मैं स्कैन करके लास्ट में ऐड कर दूंगा देख लीजिएगा वन सेकेंड एक सेकेंड का तो है क्वेश्चन देखिए तो ऐक्सल क्वेश्चन तो तो. आता है वन सेकेंड में मोस्ट कोवलेंट आंसर डी डी देखिए मोस्ट कोवेलेंट मोस्ट कोवेलेंट में आपको यह चाहिए यह छोटा चाहिए और यह बड़ा चाहिए ऐसा क्योंकि आप साइंस के रूल को जानते हैं कि आप रूल में आनिक आनिक सपोर्ट करता है लार्जर कैटाइन आनिक के लिए लार्जर कैटाइन और स्मॉलर एनाइन आनिक बॉन्ड तो यह है लार्जर केटाइन और स्मॉलर एन ये है, है आनिक बॉन्ड तो कोवलेंट में स्मॉल कैटाइन लार्ज एन ये प्लस चार्ज तो फिक्स्ड है ये प्लस चार्ज फिक्स हुआ और ये ये जो वेरी किया ये सबसे बड़ा तो हो गया आई हो okay. गया क्योंकि आप आर माइनस में पढ़ेंगे तो आर माइनस में नीचे की तरफ जाएगा फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड ये तो फिक्स है तो ये फ्लोराइड ऐसे क्लोराइड थोड़ा बड़ा ब्रोमाइड और बड़ा आयोडाइड और बड़ा okay. फिफ्टी सिक्स सिंपल इस तरह से भी क्वेश्चन है कि नॉक बेस्ट एनिक बॉन्ड बनाने के लिए तो वो सब रूल जो है लार्ज कैटाइन स्मॉल एटाइन सब कई एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन तो वो छोटा छोटा क्वेश्चन हो गया सो लिस्ट आयोनाइज सॉल्ट लिस्ट आयोनाइज सॉल्ट लिस्ट आयोनाइज लिस्ट आयोनाइज सॉल्ट ऑप्शन डी के सी एल ए जी सी एल एम जी सी एल टू सी एस एल टू के सी एल ए जी सी एल एम जी सी एल टू सी एस सी एल टू मेडिकल क्वेश्चन वन सेकेंड देखेंगे ऐसे वन सेकेंड में आंसर करेंगे बताइए देखिए लिस्ट आयोनाइज सॉल्ट इसका मतलब हुआ और लिस्ट आयोनिक द लिस्ट आयोनिक इसका मीनिंग हुआ लिस्ट आयोनिक जो जो आयोनिक होता है वो तो बेस्ट आयोनाइज करेगा खूब अच्छा से आयोनाइज करेगा नमक एनिशियल पानी में डालिए फट से आयोनाइज कर देगा हंड्रेड परसेंट सुलेबल होगा बट लिस्ट आयोनाइज सॉल्ट का मतलब लिस्ट आयोनिक आयनिक लेस आयनिक होना चाहिए तो आप जानते हैं आयोनिक में बेस्ट आयोनिक जो होगा वो तो एस ब्लॉक में वन ए का सबसे अच्छा हुआ फिर टू ए बेस्ट होगा उसके बाद होगा डी ब्लॉक उसके बाद हुआ पी ब्लॉक पी ब्लॉक वाले सबसे लेस हुए ये तो पढ़े हुए हैं हम लोग तो ये देखेंगे ये तो है एस ब्लॉक वन ए ये दो लोग टू ए और ये एजिसियल एजिसियल तो वाइट प्रेसिपिटेट होता है फेमस प्रेसिपिटेस अरे चलिए एचीसीएल आपको बताते हैं घर में तो सिल्वर का जितना ज्वेलरी है जो भी ज्वेलरी सिल्वर का जो मोस्ट कॉमन ज्वेलरी घर में मदर सिस्टर जो यूज करते हैं पायल पैर में पहनने वाला पायल जो हो गया तो पायल सिल्वर का होता है अब वो सिल्वर का जो ज्वेलरी है पानी में डाल दीजिए बॉल कर दीजिए काफी दर एक घंटे छोड़ दीजिए कुछ भी नहीं होगा नॉट सिलेवल वो सिल्वर ज्वेलरी यही तो है एच सी ही तो है वाइट प्रेसिपिटेट हॉर्न सिल्वर वो एजिसल का ही ज्वेलरी बनता है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट इट्स नॉट सोलेबल नॉट आयोनाइज द मोस्ट कॉमन ये सब लोग जानते हैं कि ये का वाइट कलर का प्रेसिपिटेट लिस्ट आयोनिक लिस्ट आयोनिक लेस आयोनाइजेबल और होता भी आयोनाइज नहीं करेगा आप इसको पानी में डाल के गर्म भी कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता सेवन मोस्ट स्टेबल कंपाउंड मोस्ट स्टेबल कुछ भी ऐसे पूछ देगा पेपर में आप खुद बनाएंगे मोस्ट स्टेबल अपने से सोचिए सो मोस्ट स्टेबल कंपाउंड इन चारों में मोस्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा हुआ मोस्ट स्टेबल कंपाउंड देखिए जो सबसे हार्ड हो सबसे हार्ड हो या बेस्ट आयनिक हो आयनिक बॉन्ड जितने कंपाउंड होते हैं ना वो हार्ड होते हैं हार्ड का मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हुआ और मोस्ट स्टेबल होते हैं तो मोस्ट स्टेबल कंपाउंड का मतलब इधर जो है स्ट्रॉन्ग uh, फोर्स जिसके अंदर स्ट्रोंग फोर्स और स्ट्रोंग फोर्स या फिर आप बोल सकते हैं कि आयनिक भी बोल सकते हैं या आप बोल सकते हैं कि मोस्ट आयनिक जितना ज्यादा आयनिक होगा या मोस्ट आयनिक का मतलब ये लार्ज कैटाइन और स्मॉल एनाइन आइन कैटाइन तो खैर सब में फिक्स है सबसे छोटा सबसे छोटा एनाइन ये है एल आई एफ फिफ्टी एट कोवलेंट बॉन्ड व्हिच हैच कोवलेंट बॉन्ड कई बार आप पढ़ चुके हैं चार बार पांच बार आ चुका है ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो आप बस ऐसे देखेंगे और टिक कर सकते हैं कोफुलेंट बॉन्ड एनएडएस सोडियम हाइड्राइट एंड एमजी टू वन सेकेंड क्वेश्चन वन सेकेंड एल सेल थ्री कितने बार आप पढ़े हुए हैं पांच बार छह बार आप पढ़ चुके हैं एल सेल थ्री इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंडेंट कोवलेंट बॉन्डेड कंपाउंड ऐसे हो गए एलस एल से बाकी मेटल नॉन मेटल मेटल नॉन मेटल सब आयनिक 59 मोस्ट आयनिक मोस्ट आयनिक चाहिए ऐसे भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है और मोस्ट आइनिक में यहाँ है पी टू ओ फाइव पी टू ओ थ्री एम एन ओ टू सो पी टू ओ फाइव पी टू ओ थ्री एम एन ओ एम एन ओ टू एम एन टू ओ सेवन सब आया हुआ सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है बट विद इन कुछ सेकेंड मतलब टेन सेकेंड मानिए बोलिए जल्दी से मोस्ट आयोनिक देखिए ये देखिए यहाँ पे आप दोनों तो को चेक करेंगे तो ये दोनों नॉन मेटालिक ऑक्साइड है और जो नॉन मेटल ऑक्साइड है नॉन मेटालिक ऑक्साइड नॉन -मेटालिक, मेटालिक जो ऑक्साइड हैं वो नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो कोवलेंट होते हैं कोवलेंट कंपाउंड होता है ठीक है ये मेटल ऑक्साइड जो है ये जो साइंस में ये दोनों आ रहा है मेटल का ऑक्साइड सो डी ब्लॉक का मेटल ऑक्साइड है और मेटल ऑक्साइड साइंस में होता है आयोनिक आयनिक होता सो मोस्ट आयनिक में ये तो नहीं हुआ ये तो नहीं हुआ और यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस फोर हुआ और यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस सेवन हुआ प्लस फोर एंड प्लस सेवन ये है आप जानते हैं आयनिक आयनिक के लिए ऑक्सीडेशन नंबर आप तो पढ़े हुए कि आयनिक जो है वो प्रोपोर्शनल टू तो वन वे ऑक्सीडेशन नंबर ये है रिजल्ट हो गया सी फिफ्टी नाइन सिक्सटी इंक्रीजिंग कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीजिंग कोविलेंट कैरेक्टर एनएससीएल एल आई सी एल बीई सी एल टू ये लिखा हुआ है एनएससीएल एल आई सी एल बी सी एल टू इंक्रीजिंग कोविलेंट नेचर कोवैलेंट नेचर इंक्रीजिंग का मतलब लो और ये हाई करेंगे इंक्रीजिंग नेचर देखिए आप आप जानते हैं कि इसमें अगर आप पढ़ेंगे यहां है एल सी एल बताइए यहां है एल आई सी एल हुआ और ये है एनएससीएल और ये है बी ई सी एल टू है तो आप आयनिक जानते हैं आयनिक आयनिक में जानते हैं कि ये आयनिक में लार्ज कैटन होना चाहिए स्मॉल एट होना चाहिए कोविलेट आयनिक का ऑर्डर पढ़ेंगे आयनिक में देखिए ये रेडियस इधर जाएगा जा ठीक है और रेडियस इधर जाएगा जा ऐसे ऐसे। क्लोराइड तो फिक्स है अगर आप आयनिक पढ़ेंगे आयनिक ऑर्डर पढ़ेंगे तो आयनिक ऑर्डर में ये आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा आयनिक एन हो गया फिर उसके बाद एल आई सी एल हुआ और फिर बी सी एल टू हुआ बस उल्टा कर लीजिएगा कोवलेंट जो मोस्ट आयनिक है वो लिस्ट कोवलेंट हो गया तो यहाँ पे यहाँ करना है एनआईसीएल फिर करना है एल आई सी एल फिर यहाँ पे बी सी एल टू हो गया आंसर देखिए मोस्ट ये मोस्ट आयनिक लिस्ट कोवलेंट और जो लेस आयनिक है मोस्ट कोवलेंट सिक्सटी और मैं देखता हूं और कुछ है क्वेश्चन बाकी हो गया और है तो छोटा छोटा वो रिजल्ट बेस्ट क्वेश्चन है अब हम लोग पढ़े प्रॉपर्टीज ऑफ आनिक नेक्स्ट आनिक बॉन्ड कंप्लीट स्टेप्स कंडीशन फैजेंस रूल सब कुछ डेरिवेशन इलेक्ट्रॉनिक फिनिटी आयोनाइजेशन एनर्जी और बहुत सारा क्वेश्चन सिक्सटी बहुत हो गया उससे आइनिक बॉन्ड अरेंज करना कोवलेंट बॉन्ड अरेंज करना सब कुछ कंप्लीट हो गया हम लोग का अब हमें पढ़ना है प्रॉपर्टी ऑफ आनिक बॉन्ड जिसके अंदर फोर्स फिजिकल स्टेट जो हो गया मेल्टिंग पॉइंट थर्मल स्टेबिलिटी सोलिबिलिटी आयोनाइजेशन बहुत सारा प्रॉपर्टी पढ़ना है आनिक बॉन्ड का और क्वेश्चन आता है स्टार्ट करते हैं सो so, हम लोगों का टॉपिक है अब प्रॉपर्टी ऑफ एनिक बॉन्ड या इसको आप इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कर सकते हैं सो so, प्रॉपर्टीज ऑफ एनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फिजिकल स्टेट फिजिकल स्टेट का मतलब सॉलिड लिक्विड गैस तो जनरली कंपाउंड घर में नमक नमक देखते हैं टेबल सॉल्ट किचन में रहता है जो टेबल सॉल्ट खाने में नमक यूज करते हैं तो वो कैसा होता है सॉलिड है वैसे सारे एनिक कंपाउंड जनरली सॉलिड ही होते हैं क्यों होते हैं वो सब अपने साफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं नंबर वन फिजिकल स्टेट सो फिजिकल स्टेट में आप ये प्लानिंग कर सकते हैं कि जनरली एनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर टू डू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक या कोलॉम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन केटइन एंड एन इन द लैटिस ऑफ द एनिक कंपाउंड जैसे आप सिंपल एग्जाम्पल ही लेकर दिखाइए आप, आप बोलिए कि ये घर में जो हम लोग यूज करते हैं टेबल सॉल्ट जो डिनर टेबल पे भी नमक रखा रहता है टेबल सॉल्ट हो ठीक है या इसको आप बोलते हैं रॉक सॉल्ट ये पत्थर की तरह होता है रॉक सॉल्ट ऐसे या फिर हुआ सॉलिड एन जो है वो सॉलिड होता है सॉलिड नमक एक सिंपल कंपाउंड जो घर में है उसी को दिखाइए रॉक सॉल्ट टेबल अच्छा अब बताइए अभी अभी हम लोग घर में जैसे अपने किचन में यूज करते हैं तो पाउडर नमक आता है जो आयो, आयोडाइज्ड होता है पाउडर नमक होता है जो हम लोग यूज कर रहे हैं घर में बट पहले के टाइम जब मैं छोटा था फिफ्थ क्लास सिक्स क्लास में तो जो मार्केट में नमक मिलता था वो ऐसे बड़ा बड़ा क्रिस्टल रहता था इतना बड़ा बड़ा सॉलिड सॉलिड टाइप का नमक रहता था उसको घर में लाने के बाद उसको क्रश करना पड़ता था फिर उसके बाद जो वेजिटेबल है उसमें डाला जाता था तो पहले इतना बड़ा बड़ा नमक मिलता था अभी भी मिलता है अभी भी बट अब लोग क्रश नहीं करना चाहता अब पहले घर तो में होता था क्रशिंग कर करके फिर उसको सब्जी जो भी बनाते हैं उसमें डालते थे अब डायरेक्ट पाउडर फॉर्म में अवेलेबल रहेगा आयोडाइज नमक रहता है आयोडीन रहता है उसके अंदर तो क्रिस्टल रहता है एकदम क्लियर रहता है फिर भी वो भी एनएसएल जो है पहले वाला क्रिस्टल इतना बड़ा बड़ा चाहे अभी भी घर में भी जो व्हाइट एकदम पाउडर जो नमक ले रहे हैं वो भी तो सॉलिड ही है क्यों सॉलिड है ये आप जानते हैं कि ये एक एनिक कंपाउंड है ये एनएसएल जो है वो आनिक कंपाउंड है एनिक कंपाउंड हुआ तो एनिक कंपाउंड हुआ।, तो हुआ और आप जानते हैं कि यहाँ सोडियम इसमें सोडियम प्लस है और यहाँ सी माइनस है और ये दोनों आन जो है वो फिक्स्ड फिक्स्ड आइंस दोनों फिक्स्ड आइंस हैं और इनके बीच में सोडियम एंड क्लोराइड के बीच में ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक या कुल्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जिसके चलते ये जॉइंट कर जाएंगे दोनों एक दूसरे से अटैच करके सॉलिड हो जाते हैं तो जो घर में देखा हुआ है उसी चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे तो फिजिकल स्टेट का मतलब सॉलिड एनी कंपाउंड्स जनरली एनी कंपाउंड ऑफ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर वाई डू डू द स्ट्रॉन्ग ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन केट एंड एन इन लाइटिस ऑफ एनी कंपाउंड ये लाइटिस ऑफ एनी कंपाउंड है इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक या कोलॉम्बिक फोर्स लग रहा है जिसके चलते ये सॉलिड हो गए सो so, आप वैसे बनाना है आप चाहे एनिसल का लाइटिस बनाना है तो इस तरह से ऐसे थ्री डी लाइटिस भी पढ़ेंगे एनिसल का वो सॉलिड स्टेट वो दूसरा टॉपिक है ट्वेल्थ क्लास में आता है तो लैटिस का मतलब वो ब्लॉक कहिए ये कोई लिखता है कि लैटिस ऑफ एनए सी एल लाइटिस ऑफ एन एसीएल का मतलब बड़ा सा इतना बड़ा जो मार्केट में पहले मैं बोला कि अभी भी मिलता होगा मार्केट में कि इतना बड़ा बड़ा रॉक टाइप का पत्थर जैसा एन एस एल आता है वो वो लैटिस हो गया अभी उसी का पाउडर फॉर्म है जो घर में हम लोग यूज करते हैं तो लैटिस में होता है क्या है देखिए यहाँ पर सोडियम क्लोराइड सोडियम और क्लोराइड ऐसे लेयर बना रहता है फिर यहाँ क्लोराइड और सोडियम फिर यहाँ क्लोराइड और सोडियम फिर से यहाँ पे सोडियम और फिर क्लोराइड, फिर यहाँ सोडियम और फिर क्लोराइड, फिर से यहाँ पे क्लोराइड और सोडियम फिर यहाँ क्लोराइड और सोडियम ये सोडिय। ऐसा हो गया इस तरह से ये लेयर फॉर्म में रहेगा और लेयर फॉर्म रहने पे ऐसे इस तरह से आप लाइन ऐसे डॉट डॉट बना देंगे वन एंड टू थ्री एंड फोर फाइव ऐसे इस तरह से आपको बनाना है ये एन एच एल लाइटिस होगी तो आप फिगर बना के प्रेजेंट करें सबसे अच्छा और घर में तो सब देखा हुआ तो है ही नमक तो सब लोग घर में यूज करते हैं टेबल सॉल्ट और अब आप बनाएंगे कि यहाँ पे ये यह सोडियम है क्लोराइड है इनके बीच में सोडियम और क्लोराइड के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक या कोलॉम्बिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक या कोलॉम्बिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन केटाइन एंड एनआन ये केटाइन और एनाइन के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसी के चलते ये पूरा पैक होकर सॉलिड हो जाएगा जो देखा हुआ है तो आपको कोई भी फिजिकल स्टेट पूछा जाता है तो आप जरूर एक कोई अपने घर में जो टेबल सॉल्ट रॉक सॉल्ट या सॉलिड एनेसियल है वो आइनिक कंपाउंड है इस तरह बना करके फिर लैटिस बना दें और फिर बोलें कि आइनिक कंपाउंड जनरली ऑल आइनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एट सॉलिडर डो डू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक या कोलॉम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन केटैन एंड एनैन इन लैटिस ऑफ आइनिक कंपाउंड प्लीज फिगर बना के अब नोट करेंगे यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिखते हैं आइनिक कंपाउंड सर और सॉलिड आइट्रोम ट्रिपल से डू डू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक टिक और कोलॉम्बिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन सो स्ट्रॉग इलेक्ट्रोस्टैटिक या कोलॉम्बिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन केटाइन एंड एनाइन

ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक ये फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक या कोलॉम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन केटाइन एंड एनाइन इन लाइटिस ऑफ एनी कंपाउंड फोर्स क्या होता है मैनच्यूट क्या है सब आप जानते हैं आप लिख सकते हैं यहाँ पे तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है आप जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कोलॉम्स लॉ एटोमिक स्ट्रक्चर सब पढ़े हुए एफ एफ जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक और कोलॉम्बिक फोर्स सो so, इलेक्ट्रोस्टैटिक या कोलॉम्बिक फोर्स और ये फोर्स जो तो हो जाएगा ये इक्वल टू वन बाई फोर बाई एपसाल नॉट और ई वन ई टू और डिवाइड बाई आर उसको E1 आर के और आर। आर जो हुआ डिस्टेंस हो गया, so, force, proportional to, आप लिख सकते ये तो है, E1, E2, आर जैसे आप सोडियम सोडियम प्लस आप ले लिए क्लोराइड सी एल माइनस ले लिए और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो आर ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन एनर्जी चाहिए एनर्जी में आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी में यहां पर आर स्क्वायर की जगह आर कर लीजिएगा एटोमिक स्ट्रक्चर तो पढ़े हुए हैं उसमें बहुत सारी चीजें आप साइंस के बेसिक रिजल्ट बहुत सारा चीजें आप जानते हैं सो so, आप नोट करेंगे यहां पर अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए यू चाहिए तो आर स्क्वायर की जगह आर कर लीजिएगा यू आज काउंटिंग हो रहा है बिहार इलेक्शन जो हुआ है आज काउंटिंग हो रहा है तो क्रैकस जो कभी कभी आवाज आ रहा होगा वीडियो में तो काउंटिंग किसी का पार्टी जीत रहा होगा लोगों का तो वो मतलब दिवाली नहीं है अभी दिवाली नहीं है ये कह रहा था और अब मैं भी बैठा था सुबह से आज दो वीडियो नहीं हो पाएगा आज एक ही वीडियो हो पाएगा क्योंकि मैं मैं भी बैठ के अपना चार पाँच घंटे टाइम वेस्ट कर चुका हूँ तो इतना फ्लैक्चुएसन था इतना फ्लैक्चुएसन इतना क्लोज फाइट जो एक बीजेपी गुट है एक जो कांग्रेस वाला पार्टी है दोनों लोगों में बहुत क्लोज फाइट चल रहा था तो मैं भी बैठ गया है जनरल मैं टी वी मैं नहीं देखता हूँ बट रिजल्ट था इलेक्शन का तो सुबह में 10 मिनट के लिए मैं सोचा बैठता हूँ 10 मिनट के लिए और 10 मिनट में इतना फ्लैक्चुएसन होना शुरू हुआ कि चार घंटे मेरा बर्बाद हो गया तो आज दो वीडियो नहीं हो पाएगा आज एक ही वीडियो ले पाऊँगा कोशिश करूँगा उसको मैनेज करने के लिए अगले दिन तीन वीडियो कर दूँ थोड़ा पहले जग जाऊँगा थोड़ा ज़्यादा क्लास ले लूँगा बट आज नहीं हो पाएगा इसलिए कि आज चार घंटे मेरा वेस्ट हो गया अभी भी क्लियर नहीं हुआ कि कौन पार्टी जीत रहा है कौन बस लोग क्रैकर्स छोड़ रहा है इलेक्शन जो कमीशन है उन्होंने बोला कि रात आठ नौ दस भी बज सकता है फाइनल रिजल्ट आते आते फाइट काफ़ी क्लोज क्लोज है और लोग क्रैकर्स छोड़ रहा तो इसका मतलब किसी किसी का पार्टी आगे बढ़ रहा होगा तो बॉन्डिंग और ये जो क्लासेस होता है दो क्लास डेली मैं लेता हूँ आपके लिए अल्टरनेट लेता हूँ एक दिन केमिस्ट्री लेता हूँ एक दिन फिजिक्स तो आज केमिस्ट्री का टर्म था तो आज दो बॉन्डिंग में क्लास लेना था बट तो आज एक ही हो पाएगा और देखूँगा अगले दिन अगर टाइम मिलता है तो मैं दो क्लास ले लूँगा अच्छा कभी कभी मैं बहुत सारे टॉपिक का वीडियो अपलोड कर देता हूं तो अपलोड करता हूं तो वो पुराने वीडियो रहते हैं मेरे पास जैसे लॉकडाउन जिस दिन लग गया था मार्च महीने में होली के बाद जो लॉकडाउन लगा था मैं ऑनलाइन क्लासेस उसी दिन से ले रहा हूँ तो कुछ पुराने वीडियो भी मैं बना के रखा हुआ था तो मैंने बोला था कि दिसंबर तक कोशिश करूँगा कि आपका एलेवंथ क्लास कम्प्लीट हो जाए तो ये इसलिए मैंने बोला था कि मेरे पास कुछ वीडियो मार्च महीने का भी है तो वो मैं अपलोड कर देता हूँ बाकी जो डेली मैं क्लास आपके लिए लेता हूँ वो है बॉन्डिंग का क्लास बॉन्डिंग ख़त्म हो जाएगा तो पीरियोडिक टेबल का क्लास लूँगा बट कई स्टूडेंट होते हैं कि बहुत फास्ट हैं मुझसे भी तेज चलते हैं बहुत तेज तेज बना लेते हैं और उनको स्कूल का भी कवर करना होता है जैसे स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है तो हो सकता है स्कूल में इक्लेबरियम चल रहा होगा या गैस लॉ चल रहा होगा तो वो उनके लिए मैंने अपलोड कर लिया है कि अगर आप बहुत फास्ट हैं और मुझसे भी थोड़ा आगे चल रहे हैं तो आप देख सकते हैं आप वीडियो देख करके वो कम्प्लीट कर सकते हैं वो जो इक्लेबेम है और गैस लॉ जो था देखिए अभी भी क्रैकस आवाज़ आया होगा रिकॉर्डिंग में तो वो पार्टी इलेक्शन कोई जीत रहा होगा कोई हार रहा होगा उसका आवाज है दिवाली अभी चार दिन पांच दिन बाकी है तो चलिए कंटिन्यू कर करते हैं हम लोग तो फोर्स हो गया और यू यू फॉर पोटेंशियल एनर्जी यू पोटेंशियल एनर्जी इन एनी कंपाउंड पोटेंशियल so, एनर्जी आप जानते हैं ये होता है वन बाई फोर बाई एफ साल नॉट और क्यू वन क्यू टू ई वन ई टू बाई आर स्क्वायर की जगह आपको करना है आर ये जो आर स्क्वायर है उसके जगह आर करना है इस तरह पोटेंशियल एनर्जी जो हुआ वो प्रोपोर्शनल टू ई वन और ई टू और डिवाइड बाई आर ऐसे आप आर की जगह आप ये भी लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ई वन टू बाई आर आर की जगह रेडियस ऑफ केटाइन प्लस रेडियस ऑफ एनाइन भी कह सकते हैं रेडियस ऑफ केटाइन प्लस रेडियस ऑफ एनाइन भी ऐसे बना सकते हैं। क्योंकि आर आर का मतलब रेडियस ऑफ केटाइन प्लस रेडियस ऑफ एनाइन। तो ये हुआ फिजिकल स्टेट जो आप जानते हैं घर में टेबल सॉल्ट नमक है जो कि एक आनी कंपाउंड है और वो सॉलिड होता है क्यों सॉलिड होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन केटाइन एंड एन इन द लैटिस ऑफ एनी कंपाउंड और इस फोर्स के चलते वो एकदम क्लोज क्लोज आ जाएंगे एटम आइंस क्लोज क्लोज आ जाएंगे जिसके चलते वो सॉलिड स्टेट में आएगा नेक्स्ट हमें पढ़ना है थर्मल स्टेबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट दोनों अलग टॉपिक है सो थर्मल स्टेबिलिटी नेक्स्ट थर्मल स्टेबिलिटी हम लोग प्लान करेंगे आयनिक कंपाउंड के लिए थर्मल स्टेबिलिटी सो प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड फिजिकल स्टेट देन थर्मल स्टेबिलिटी वो भी खूब आता है इनऑर्गेनिक में बहुत जरूरत पड़ता है सो नेक्स्ट पॉइंट थर्मल स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ आनी कंपाउंड सो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ आनी कंपाइ चलिए थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब आप कि एक्शन समझिएट ही है यहाँ हीटिंग करना है बट क्रैकिंग होता है जिससे देखिए आपका नंबर मान लीजिए कोई कंपाउंड है एनी कंपाउंड है और जब हीटिंग करते हैं जैसे आप मान समझिए कि ये लिथियम एल आई टू सीओ थ्री लिथियम कार्बोनेट और मैं इसको हीटिंग कर रहा हूँ हीटिंग का साइन होता है डेल्टा ऐसे ऐसे दे रहा हूँ डेल्टा से हीटिंग में यहाँ पे मैं हीटर लगा दिया या फ्लेम कर दिया यहाँ पे और लैब में मैं हीट कर रहा हूँ तो हीट करने पे ये जो क्रैक कर जाता है क्रैकिंग एक तो होता है कि हीटिंग करने में कुछ चीज़ें गल जाता है तो वो अलग चीज़ें वो मेल्टिंग हो गया वो गल करके फेज चेंज करना ये फेज नहीं चेंज कर रहा है ये क्रैक कर जाता है क्रैक करने का मतलब ये ये लिथियम और ऑक्साइड और, और साथ में ये सी ओ टू और गैस गैस में ये चेंज कर जाता है ये ये ऐसे हुआ आपका तो क्रैक करना क्रैक करने को बोलते हैं ये थर्मली लेस स्टेबल इसको बोलते हैं क्रैक हो गया तो ये थर्मल थर्मली थर्मली का मतलब हीटिंग लेस स्टेबल है लेस और ये स्टेबल है तो थर्मल स्टेबिलिटी का ये मीनिंग हुआ कि ये लेस स्टेबल है इसी ग्रुप में सीजियम कार्बोनेट आप सीजियम कार्बोनेट को हीट करके देख लीजिए तो सीजियम और कार्बोनेट सीजियम कार्बोनेट को आप हीटिंग करके देख लीजिए हीटिंग करिएगा अंदर नो इफेक्ट कुछ भी नहीं होगा सीजियम कार्बोनेट हीटिंग करने पे नो इफेक्ट यहाँ हीट करके देख लीजिए तो नो इफेक्ट ये इफेक्ट नहीं होगा कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा ये एक पत्थर की तरह रहेगा ये स्टोन की तरह एकदम पत्थर की तरह बना रहेगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा हीटिंग करने पे। तो ये इसको बोलते हैं थर्मली मोस्ट स्टेबल ये थर्मली लेस स्टेबल थर्मली मोस्ट स्टेबल ये है थर्मल स्टेबिलिटी में थर्मली, थर्मली थर्मली ये है मोस्ट और इस्टेबल सो so, ये थर्मल स्टेबिलिटी में ये थर्मली जो है मोस्ट स्टेबल है ये पत्थर की तरह आता है ये एक टाइप का जैसे स्टोन होता है उस तरह से तो थर्मल स्टेबिलिटी का मीनिंग समझिए कि क्रैक करना है हीटिंग करना है हीट करके उसको क्रैक कर देना है तोड़ देना है ये टूट जाएगा ये टूट जाता, जाता है ये नहीं टूटेगा ये टूटता नहीं है और थर्मल स्टेबिलिटी अरेंज करने के लिए पूछा जाता है उसका जो पैटर्न होता है वो आइनिक को फॉलो करता है ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी अरेंज करने के लिए पूछा जाएगा तो उसका पैटर्न समझेंगे थर्मल स्टेबिलिटी जो हमें अरेंज करना है प्रोपोर्शनल टू होता है आनी ये आनी को फॉलो करेगा आनी का मतलब हुआ ये लार्ज कैट और स्मॉल एनाइन, ये थर्मल स्टेबिलिटी हुआ या आप बोल सकते हैं डेल्टा ई एन भी लिख सकते हैं डेल्टा ई एन का मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस सी यह थर्मल स्टेबिलिटी के लिए यह पैटर्न फॉलो करना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस तो थर्मल स्टेबिलिटी जो आनिक को बोलते हैं आनिक द लार्ज कहता है स्मॉल एन है ये आनिक हो गया इसी को डेल्टा ई -E एन बोलते हैं डेल्टा ई एन इलेक्ट्रॉनिक एटिविलिटी डिफरेंट अरेंज करना एकदम आसान है इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी होते हैं और आते हैं पेपर में पूछा जाता है थर्मल स्टेबिलिटी के लिए जैसे कोई भी फैमिली कार्बोनेट सल्फेट नाइट्रेट कोई भी फैमिली ले सकते हैं जैसे मान लीजिए वन ए वन ए फैमिली में अगर आप लेंगे लिथियम लिथियम कार्बोनेट ले लेंगे ऐसे लिथियम कार्बोनेट ले लिए सोडियम कार्बोनेट ले रहे हैं लिथियम सोडियम कार्बोनेट पोटेशियम कार्बोनेट के टू सी ओ थ्री लिथियम सोडियम पोटेशियम रोबीडियम रोबीडियम कार्बोनेट और सीजियम कार्बोनेट ये मान लीजिए वन ए का कार्बोनेट ले रहे ऐसे कुछ भी ले सकते हैं वन का सल्फेट ले सकते हैं वन ए कार्बोनेट ले सकते हैं का सल्फेट ले सकते हैं कुछ भी आप ले सकते हैं सल्फेट लिथियम सल्फेट सोडियम सल्फेट पोटेशियम सल्फेट रुबेडियम सल्फेट सीजियम सल्फेट हो गया तो वन ए का सल्फेट वन ए कार्बोनेट वन ए नाइट्रेट कुछ भी लिख सकते हैं आप देखिए पैटर्न फॉलो करिए नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे की तरफ लार्ज तो कैटाइन और स्मॉल ए नाइन देखिए नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे की तरफ ये है लार्ज कैटाइन और स्मॉल ए नाइन ऐसे नीचे की तरफ जाएंगे तो आइनिक ऑर्डर जाएगा आप जानते हैं डाउन के नाइन तो फिक्स है केटइन नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ये पैटर्न फॉलो करेगा नीचे की तरफ आइनिक पैटर्न नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे की तरफ पैटर्न जो फॉलो करेगा वो पैटर्न है आनिक ये पैटर्न हो गया आनिक के लिए और जिधर आनिक जाएगा उधर ही थर्मल स्टेबिलिटी थर्मल स्टेबिलिटी का सेम ऑर्डर होगा तो अरेंज कर लीजिएगा थर्मल स्टेबिलिटी नीचे की तरफ तो नीचे की तरफ जाएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी लिख लीजिएगा ये थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर हुआ बहुत कॉमन क्वेश्चन है थर्मल स्टेबिलिटी अरेंज करना कर लीजिए जा अरेंज इसमें सो तो थर्मल स्टेबिलिटी में अरेंज करेंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी में सबसे बेस्ट जो स्टेबल हुआ सीजियम कार्बोनेट या सल्फेट जो लिखना चाहे सीजियम कार्बोनेट रुबेडियम कार्बोनेट पोटेशियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट लिथियम कार्बोनेट सल्फेट रुबेडियम सल्फेट पोटासम सल्फेट सोडियम सल्फेट लिथियम सल्फेट तो ये है ऑर्डर थर्मल स्टेबिलिटी के लिए थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको अरेंज करना हो तो कार्बोनेट का सल्फेट का नाइट्रेट का वन ए का टू ए का टू ए का नाव टू ए कर लीजिए ये यही सब तो सबसे ज़्यादा आता है वन ए सल्फेट वन ए कार्बोनेट वन ए नाइट्रेट टू ए सल्फेट टू ए नाइट्रेट नाव टू ए करिएगा लिख लीजिए सो so, टू ए अगर टू ए करेंगे तो यहाँ बेलियम कार्बोनेट बी ई बी ई सी ओ थ्री बेलियम उसके बाद हो गया मैग्नीशियम कार्बोनेट नेक्स्ट हुआ कैल्शियम कार्बोनेट नेक्स्ट हुआ स्ट्रेंशियम नेक्स्ट हुआ बेरियम सल्फेट कर रहा हूं सल्फेट कर लीजिए बेरियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट कैल्सियम सल्फेट स्ट्रेनशियम सल्फेट बेरियम सल्फेट हो गया तो बेरियम मैग्शियम कैल्शियम स्ट्रेसियम बेरियम सल्फेट हो कार्बोनेट हो और नीचे की तरफ जाएंगे और यहां लिख लेंगे बेरियम सो स्टैंसियम कैल्शियम मैग्नीशियम और यह है बेरिलियम सल्फेट लेंगे सल्फेट का भी वही सेम ऑर्डर होगा बेरियम स्ट्रेनशियम कैल्शियम मैग्नीशियम एम और ये है बेरियम सेम पैटर्न बेरियम सल्फेट हो गया तो so ये था थर्मल स्टेबिलिटी के लिए थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक जितना ज़्यादा आयनिक होगा उतना ही थर्मली स्टेबल हो गया और आपका ऑर्डर अरेंज करना हो तो आयनिक को अरेंज कर लीजिए भाई डेल्टा ई एन भी हम लोग कर सकते हैं मैक्सिमम पोलर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस मैक्सिमम आनिक मोस्ट स्टेबल थर्मल स्टेबिलिटी बना सकते हैं थर्मल स्टेबिलिटी आप पहले भी पढ़ा हुआ है कोई नया नहीं है आप जो बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़े हुए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड में भी जैसे मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन था आपका तो इस क्वेश्चन में भी बना सकते हैं क्योंकि तो थर्मल स्टेबिलिटी आपको कई जगह पढ़ना है और फंडामेंटल रिजल्ट है आयनिक या फिर डेल्टा ई जैसे ये सब क्वेश्चन भी आपका कॉपी में है मान लीजिए फिफ्थ पॉइंट पे मैं ऐसे ले लूँ कि आपका एच एफ ले लूँ और एच सेल ले लूँ और एच बी आर ऐसे ले लूँ और एच आई ले लूँ सो so, आपको मैंने बताया था कि थर्मल स्टेबिलिटी थर्मल स्टेबिलिटी ये भी रूल है कि प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई एन डेल्टा ई एन इलेक्ट्रो निगेटिविटी सो so, अगर आप एच एफ के लिए लेंगे तो एच एफ के लिए डेल्टा ई -E एन पता है आपको फ्लोरिन का इलेक्ट्रोनीगेटिविटी फोर पॉइंट जीरो और टू पॉइंट वन होता है हाइड्रोजन का और घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा वन पॉइंट नाइन आगे जबकि इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस फोर एच सी एल के लिए लेंगे क्लोरिन थ्री पॉइंट जीरो होता है हाइड्रोजन टू पॉइंट वन होता है तो ये है जीरो पॉइंट नाइन तो आप ये सब चीज़ें जानते हैं कि आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर की तरफ डेल्टा ई -E एन जाएगा ऐसे सो डेल्टा ई एन और जिधर डेल्टा ई एन जाता है उधर की तरफ ही जाएगा थर्मल स्टेबिलिटी तो ये आयनिक बॉन्ड नहीं है फिर भी आप बना सकते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस से आप पढ़े हुए हैं आप क्लास में पढ़े हुए हैं थर्मल स्टेबिलिटी के लिए आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे थर्मल स्टेबिलिटी का तो एच एफ ग्रेटर देन द एच सी एल देन एच बी आर और देन एच आई और आप चाहें तो ये भी पैटर्न फॉलो कर सकते हैं ये इस साइड भी ले सकते हैं जैसे इस साइड में हाइड्राइसिड में यहाँ लिख सकते हैं सी एच एन एच थ्री और वाटर और एच एफ इधर भी जाएंगे तो ये पैटर्न में भी जाएंगे, तो डेल्टा ई एन का ऑर्डर यही जाएगा आप चेक कर सकते हैं डेल्टा ई एन का पैटर्न यही जा रहा है तो थर्मल स्टेबिलिटी में इस पैटर्न में भी जाएंगे तो एच एफ वाटर देन एन एच थ्री देन सी एच ओ सेम पैटर्न थर्मल स्टेबिलिटी का चेक कर लीजिए सो थर्मल स्टेबिलिटी हो गया नेक्स्ट प्रॉपर्टी और अब हम लोग पढ़ेंगे आनी कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट वो अलग है मेल्टिंग पॉइंट अलग है